इन दिस वीडियो वडी अबाउट द ट्राइस ब्रिकाई मसल विच इज कंटिन्यूशन ऑफ द चैप्टर नंबर एट आर्म ऑफ इसमें ट्राइस ब्रिकाई मसल के ना थ्री हेड्स होते हैं आपने याद रखना है ठीक है उनकी ओरिजन पढ़नी है इन सबके ओरिजन ना डिफरेंट होती है लेकिन इनकी जो इंजर्शन होती है तकरीबन इंजर्शन जो है वो एक पॉइंट पर होती होती है लेकिन इनके ओरिजन डिफरेंट है इन तीनों हेड्स की ठीक है लॉन्ग हेड लिटरल हेड एंड मीडियल हेड होते हैं ट्राइस बिकाई मसल के और आपको पता होना चाहिए जो ट्राइस बेकाई मसल है ये पोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में प्रेजेंट होते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कम्पार्टमेंट कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में ठीक है तो उसके बाद इसलिए हम इसको तमाम इस, ये कौन सा मसल है दिस इज द एक्सटेंसर मसल ये एक्सटेंसर मसल है क्योंकि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में प्रेजेंट है तो साइड सी बात एक्सटेंशन ऑफ आर्म ही करवाएगा उसके बाद इसके ओरिजिन जो है आपने याद रखनी है लॉन्ग हेड कहां से हो रहा हैं लेट्रल एंड मीडियल हैंगड इन्फ्राग्लिन टिबरक्रोफ स्कैपुर से हो रहा है ठीक है ये तमाम हेड से लॉन्ग है इसलिए इसको हम लॉन्ग हेड कहते हैं जो लेटरल हेड है उसकी अलग से बात करनी है ठीक है लेटरल हेड जो है वो ह्यूमरस से होता है जो लेटरल हेड है वो ह्यूमरस के पोस्टीरियर सर्फिस से ओरिजिनेट होता है ठीक है और जो मीडियल हेड है वो ह्यूमरस की पोस्टीरियर सर्फेस से ही होता है लेकिन बिलो द रेडियल ग्रूव होता है ठीक है इन दोनों में क्या फर्क है लेटरल हेड जो है वो एक क्रीज से होता है ये अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ह्यूमरस पे होता है ये पोस्टीरियर ऑफ ह्यूमरस पे होता है लेकिन बिलो द रेडियल ग्रूव होता है ठीक है इनकी आपने याद रखनी है ये दोनों ह्यूमरस से होते हैं स्कैपोलो से होता है अब इनकी इंजर्शन सबके इंजर्शन प्रोसेस ऑफ फलना पे होती है बीटी के डायग्राम के लिहाज से देखेंगे ये लॉन्ग हेड है जो कि इन्फ्राग्लोनाइटो बर्कल से ओरिजिनेट हो रहा है ये लिटरल हेड है जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस के अपर पार्ट मतलब ये लार्ज ट्राइंगर एरिया जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस पर होता है आ, आ, मतलब ये जो है ये ओब्लीक रिज ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग टू द लिटरल लिप ऑफ द रेडियल ग्रू ये यहां पे लिखा हुआ है तो इसको देखें ये लिटरल हेड जो है यहाँ पे प्रेजेंट ओब्लीक रिज होती है हमारे पास पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ह्यूमरस पे वहां से हो रहा है ओरिजिनेट और जो मीडियल हेड है वो लेटरल दिस इज द मीडियल हेड जो कि पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ह्यूमरस पे बिलो द रेडियल ग्रू हो रहा है रेडियल ग्रुप आपको पता है ह्यूमरस पे प्रेजेंट होता है अटैच होता है तो ये बिलो द रेडियल ग्रुप जो है वो ओरिजिन हो रहा है अब इसको हम अगर एक एटलस के लिहाज से देखें कि एटलस में क्या है इसका तो उसके भी हम देखें लॉन्ग हेड पढ़ना है लॉन्ग हेड यहां से इंफ्राग्लोनाइट से अटैच हो रहा है ये दिस इज द स्केपुला ये इसका आ, मतलब ये जो है इंफ्राग्लोनाइट बर्कल जो है आपने याद रखना है कि

रेडियल ग्रुप के करीब होते हैं, लेटर और मीडियल हेड तो अगर रेडियल के लेवल पर देखा जाए तो मीडियल हेड जो है वो लेटरल हेड से मीडियल साइड पर पे प्रेजेंट होता है अब इनकी नर्व सप्लाई पढ़ ली चुके हैं रेडियल है आपने एक्शन पढ़ना है दिस इज द क्योंकि में प्रेजेंट है तो ये एक्सटेंशन एक्सटेंशन करवाएंगे ठीक है और ये एडक्शन भी करवाते हैं आम को एडक्शन ऑफ द आम का मतलब है आम को बॉडी से दूर लेके जाते हैं ठीक है और एक्सटेंशन का मतलब है कि यह आम, मतलब आम को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सीधा इस तरह से रख देते हैं ठीक है दिस इज द एक्सटेंशन और तो इनके एक्शन हो गए हैं ठीक है एक्शन ट्राई सब्रिकाई मसल के अब नेक्स्ट वीडियो हम रेडियो नर्व के बारे में पढ़ेंगे